जो है जागृत होने में देर लगा रहे हैं, लोग दुष्ट हैं, उन्हें अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं देना है। यदि 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 वो अपने यदि उनके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, यदि उन्हें कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कोई पुतला दहन नहीं करना पड़ रहा है, यदि उन्हें जो है ना कलेक्टर एसपी को जो है जाके कोई पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, जंतर मंतर पे नहीं जाना पड़ रहा है, रामलीला मैदान नहीं जाना पड़ रहा है, और 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जा रहा है, जिसमें गुलामों के नियम कानून जो है बदल जाएंगे, जो आज किया गया है वो बहुत कम किया गया है, जो अभी जो है जो 3 बिल किए गए हैं, इट इज ए स्टेप इन वेरी राइट डायरेक्शन, लेकिन उसमें जो है धन की वर्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है। जो ये अभी कह रहे हैं कि 3 साल और 1 साल और इतने में करेंगे, वो 30 दिन में भी समेटा जा सकता है। उसमें जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय हो जाएगा, और उसमें इतने ज्यादा जो है ना इविडेंस कैप्चर कर पाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती, और हर किसी को धन की वर्षा होगी। मतलब जो है अपराधों की विवेचना और अपराधों को 30 दिन में अंदर सजा दिलाना जाने कितने लोगों को समृद्ध बना देगा। इसमें जो है अभी देखिए हमारा सिर फटा रहता है और हमारी रिपोर्ट नहीं लिखती है पुलिस। नई व्यवस्था के तहत सर जो है जो रिपोर्ट लिखाएगा उसको उल्टा पैसा मिलेगा, जो गवाही देगा उसको उल्टा पैसा मिलेगा, और कोई धोखे से भी झूठी रिपोर्ट लिखा देगा तो उसका जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, जेल में सड़ जाएगा। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो जो है ये कोई कुछ कोई उसका दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं रहेगा। और सर आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी चिंता का विषय तो आज हमारा कैंसर होना चाहिए। आज हमारी कैंसर होने के लिए आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो आप भोजन कर रहे हैं वही कैंसर कारित करने वाला हो गया है। उसने जो है आपकी जमीन को कि जितने भी उपयोगी जीवाणु थे उनको खत्म कर दिया है, आपकी जमीन को ऊसर बना दिया है, आपके खाद्यान्न को जो है कार्सिनोजेनिक कर दिया है। बची खुशी कसर जो है ना हमारे किसान भाई पूरी कर रहे हैं, वो जो है ना बकरियों में, मुर्गियों में, भैंसों में, गायों में, फलों में, सब्जियों में, सब में हार्मोनल इंजेक्शन, पिट्यूटरी इंजेक्शन लगा रहे हैं जो कार्सिनोजेनिक है। बिल्कुल बताइए, खतरनाक है, हम तो बहुत सर आप ये बताइए खतरनाक है, इसमें कोई सर शक आप ये बताइए, हम 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन जो है केवल पैदा कर रहे हैं, और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है प्रतिदिन, नहीं। 50 करोड़ लीटर दूध टैंकरों में यूरिया जैसे घातक पदार्थों से भर बिल्कुल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल 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 तो ये वही दूध है। ये चीज सर जो है इससे कैंसर हो जाएगा, यदि हम इस विभीषिका को नहीं रोक पाए तो हमारा तो जो जल है वो तो प्रदूषित हो ही रहा है, हमारा जो है लीचिंग के कारण, और हमारी जो है ना 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत फैल रहा है कैंसर यदि का, पहले यदि भी बहुत मैथिली फैल रहा। शरण सर यदि मैथिली शरण गुप्त आपको बिना धन के उपयोग के सरकार को उल्टा 20 गुना पैसा दे रहे हैं, यदि आपकी जमीन को आप किसानों की आमदनी 5 गुना कर दे रहे हैं, और उनका जो है उनको उनका जो जितना भी टेंशन है वो सब खत्म कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उनको सेवाएं उनके अपने आप हो जाएंगी जिसका उन्हें भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा, और वो भुगतान एक दूसरे अकाउंट से होगा जिसका उन्हीं का अकाउंट है, जिसको हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा है। अब आप ये बताइए सर, यदि सभी उनकी देनदारियां जो है वो दूसरे अकाउंट में लोड हो जाएंगी और उनको अपने खेत पे ही 1 MSP मिल जाएगी, तो उनकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई सर? नहीं, आप बताइए सर, 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? आप जो है तो एक एक स्ट्रोक में हमने उनकी 5 गुना कर दी, और हमें ना उनको ज्ञान बांटना पड़ रहा है, उन्हें सिर्फ ये निर्णय लेना है कि क्या बोना है, वो वहां पे बोने के लिए पहुंच जाएगा। यदि वो जो है ना खुद मेहनत कुछ करेंगे तो उसका उनको एडिशनल पैसा मिलेगा। तो नहीं, आप ये बता रहे हैं, आपने जो ये इश्यू उठाया है बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, और आजकल वो जो कौन सी खेती ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेती हाँ की जैविक खेती प्रति जिसको जितना कहते जोर हैं, दिया जाना चाहिए उतना अभी हो नहीं रहा नहीं है। नहीं सर कोई जैविक खेती पे जोर नहीं देना है, सबके सर्विस प्रोवाइडर बना देना है। गौशालाओं को हमें सर जो है ना स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाना पड़ेंगे, गायों की संख्या 10 गुना करना होगी। जो आज हम 16 एक जो है ना करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं, इसे 160 करोड़ लीटर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 65 करोड़ लीटर दूध से जो है ना लोगों को दूध कहाँ मिल रहा है,
सिंथेटिक मिल्क है नहीं, एक तो सिंथेटिक है उसको हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, और जो दूध नहीं पी रहा है वो फायदे में है। बिल्कुल सही है। जो मिठाई नहीं खा रहा है वो फायदे में है। मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक हम प्रोडक्शन ना बढ़ा दें तब तक हम गाय के दूध का सेवन बंद कर दें। यदि हम दूध का सेवन बंद कर देंगे तो कैंसर तो नहीं होगा। आप ये बताइए, यदि हम 10 गुना जो है ना गायों की संख्या कर रहे हैं और इस गाय में और हमें चिंता ना करें कि बूढ़ी गायें कहाँ जाएंगी, क्योंकि गाय से हमारी समृद्धि जो है ना दूध से नहीं आने वाली है, हमारी समृद्धि गोबर से आने वाली है। जिसको जीवामृत धनामृत करेंगे तो वो जो है मिट्टी को एक साल से भी कम समय में उर्वरक बना देगी, और जो आज हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल के जितना पैदा कर पा रहे हैं उससे 10% ज्यादा हमें उपजाऊ पहले साल में ही मिल जाएगी उपज। बिल्कुल बात से मैं 100% सहमत हूँ आपकी सब बातों से, पर गहरा प्रश्न मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं। जी सवाल ये गुप्त जी कि आप रास्ता वो अपनाइए जिससे सरकार के कानों में ये चीजें पड़े। देखिए हम तो सर ये जो रास्ता मैं बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ सर। मैं रोज अब जो है, पहले मैं उल्टी बात कहता था, अब मैं रोज प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो 21 लक्ष्य है सर आप मान लीजिए इनको, 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, मैं जो है भारत सरकार की आमदनी 20 गुना कर दूंगा और खर्च आधा कर दूंगा। तो आप उनसे टाइम लीजिए ना, या टाइम ले ना, आप उनसे टाइम लेके बताओ ना। आप सचमुच में सही बोल रहे हैं। प्रश्न ये है कि इन बातों को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कन्विंस तो करना पड़ेगा ना। नहीं मैं तो ये कह मैं तो उल्टा कह रहा हूँ सर। यदि मैं 10 दिन में जो है ना 9 दिन में लोगों को 100 करोड़ कर सकता हूं तो पब्लिक से क्यों ना कहूं कि भैया अपने देश के हित में आप खड़े हो जाओ। भाई समृद्ध कौन होंगे, आप होंगे? नहीं, सर कुछ नहीं देखा है। हम लोगों में ईमानदार कोशिश नहीं की है क्या? हमने अपनी शपथ से अपने जाने पहचाने वाले लोगों को जोड़ने के लिए कुछ काम किया क्या? क्या हमने संगोष्ठी ली क्या? तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अरे मैं बैठू जी, मैं बताऊंगा, आपने जो दिशा अपनाई है आप करते रहो गोष्ठियां, आपका ये मोबाइल पे जितने भी कर रहे हो ना मोबाइल पे हम क्या सर मेरी बात ध्यान से सोचिए, मुझे नहीं करना है, ये आपको करना है। नहीं करना तो फिर कोई नहीं करेगा, तो नहीं करना तो कोई नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि भाई साहब आपके परिवार वालों से मैथिली शरण गुप्त की बात करने के बजाय आप खुद बात करो ना। यदि यदि आपके परिवार वालों को कोई भ्रम है तो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दीजिए। सवाल ये है गुप्त जी, गायों की बात, मैं गाँव में रह रहा हूँ तो गाँव में हालत देखता हूँ, तो मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको। आपने कहा 10 गुना गायें बढ़ा देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गायें अभी हैं वर्तमान में उनका हाल भी तो देख लीजिए। उनको नहीं नहीं सर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि सुनो यार मेरी बात सुनो आप, नहीं आप सर जो आप जो बात कर रहे हो वो आज के मॉडल की कर रहे हो, जो आपकी आंखें देख रही हैं वो आज की स्थिति को देख रही हैं, मेरी आंखें भविष्य की स्थिति को देख रही हैं ना सर। भविष्य को आप वर्तमान में देखे बगैर भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। भविष्य बिल्कुल हो सकती है सर, हम ये कह रहे हैं मेरी बात प्रार्थना सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, गायों के लिए शेड बनेगा, पैसा जो है ना किसान का लगेगा नहीं, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से भुगतान हो जाएगा, जो है ना कर्मचारियों की जो है ना वो आएंगे उनको गायों को नहलाने धुलाने का उसका भुगतान जो है ना किसान को नहीं करना पड़ेगा उसका जो। तो जब ये इतना प्यारा मॉडल है तो एग्जॉस्टिव मॉडल के तहत जाए ना, हम प्रेजेंट उसमें से खिचड़ी नहीं बनाएंगे ना सर। इसको पहल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जब तक ये पहल आप जो बता रहे हैं तो सारी बातें मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं कहूंगा तो बात नहीं बनेगी,
यदि यही बात सब लोग जो है ना अपने 10-10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और वो छत पे चढ़ के कहेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी जो है ना 21 जो है ना वो भी जोड़ लेंगे और कल कल कह देंगे, क्योंकि उनके एक मिनट सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी की भी तो सीटें 303 से बढ़ के 543 हो जाएंगी ना सर। मैं ये कह रहा हूँ ये काम सरकार को ही करना चाहिए। यदि सरकार की आमदनी 20 गुना हो जा रही है और उसका खर्चा आधा हो जा रहा है सरकारी शासकीकरण, बिल्कुल बिल्कुल जो मैं कहना चाह रहा हूँ अब आपने कह डाली। हाँ। ये काम सरकार को करना चाहिए, करेगी तो रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। सवाल फिर है, सवाल में सवाल पैदा होता है कि सरकार कैसे करेगी, सरकार को कन्विंस कौन करेगा, सरकार के कान में ये कौन डालेगा, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इसको 2 तरीके से डाला जाएगा। संपर्क के माध्यम से जो है ना पहुंच के उनको सुनाया जाए, आपकी बात वो सुनेंगे नहीं। तो यदि जो है ना आप लोगों को जोड़ के 9 दिन का समय कोई बड़ा समय नहीं होता है, आप किसी से पांच एक मिनट एक बताओ अपराध मुक्त भारत मिशन से यदि आपकी जिंदगी बदल रही है और आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो आपको जुड़ने में पेट में दर्द क्यों होना चाहिए भाई? ये तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने किया तो आप ही बताओ कितने को दर्द हो रहा है, कितने को नहीं हो रहा है। नहीं, उसका कारण ये है कि जो लोग हमसे जुड़े उन्होंने ईमानदार कोशिश नहीं की। जैसे मैं आपसे जुड़ा था तो क्या आपने ईमानदार कोशिश की? क्या नहीं की ना? मैंने तो आपसे शुरू पहले से नहीं कर दिया था अपना माइंड, मुझे नहीं लगता इससे कोई रिजल्ट बनेगा। नहीं, देखिए रिजल्ट को हम मैं आपको मैथिली सुन जी, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। देखो सचमुच में एक मिनट आप मेरे को सुनो, मैंने आपको सुना, आप मेरी बात सुन लो जी। आपके विचार वास्तव में बहुत अच्छे हैं, इसमें संदेह नहीं है, जरा भी संदेह नहीं। मेरी भावना ये है, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं, मैं एमपी में होता तो कुछ करता, मेरे कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे राजनीति से भी संन्यास लेना पड़ा। मध्य प्रदेश छोड़ के मैं अपने गाँव में पढ़ा हूँ, अपने हाल में पढ़ा मस्त हूँ। मैं आप क्यों आप मेरे मित्र हैं तो मैं आपसे तो शेयर कर ही सकता हूँ ना जी। ये सारी स्कीम तो आपने बताई बहुत अच्छी है, कोई संदेह नहीं है इसमें। सवाल ये कि इनका इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट विल हैव टू बिकम द कैरियरिटिक एजेंट। अब उस गवर्नमेंट के मैंने आपको पिछली बार कहा था कि अश्विनी उपाध्याय जिसे आप संपर्क, तो आपने कहा कि वो तो मेरे से राय लेते हैं, मेरे से संपर्क करते हैं, संपर्क में है। अब संपर्क में है तो देखिए मैं तो आपको तो इसके माध्यम से इस बार मामले में तो मैं अभी रिसेंटली अपने बातचीत हुई है 2-3 महीने पहले ही। उपाध्याय जी के वीडियोज मैं रेगुलर देखता हूँ जी, और मैं उस आदमी का फैन हूँ जी, और मैं दिल्ली में जाकर के उस आदमी से मिलूंगा जी, मैं मिलूंगा उस आदमी को, बधाई दूंगा। ये जो बिल भी पेश हुए पास हो रहे हैं जी, इस बिल के पीछे उस आदमी की बहुत भारी जबरदस्त तपस्या है उस आदमी की। तपस्या में कितनी सफलता मिली है कितनी नहीं मिली है वो जान सकते हैं या आप जान सकते हैं कि मैं इतना गहराई में नहीं जा पाया हूँ जी। पर ये वो तो रहा, हुआ तो सही ना, कुछ तो हुआ ना जी, कुछ तो जो नहीं हुआ उससे कुछ तो हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, मैं आपसे फिर कहूंगा जी, आप प्लीज आप उपाध्याय जी जैसे जो भी लोग हैं आपके आपके जैसे जिनके दिल में आग जल रही है, कुछ बने कुछ हो कुछ हो, ये आग जलती रहे, बुझनी नहीं चाहिए। तो आप ये मोबाइल वाला मामला तो देखो, इससे कुछ नहीं होना, मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानना, आप कुछ नहीं होना इससे, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आप प्लीज एक्टिव होइए और फील्ड में जाइए, फील्ड में अच्छे लोगों से संपर्क करिए, उपाध्याय जी जैसे या जिनको भी आप हो, और ये आपको जुड़ना पड़ेगा राजनीति से। जब तक आप राजनीति से या राजनीतिक यूज से जुड़कर सारी इसमें 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 सर राजनीति भी है और राजनीति भी है और जुड़ना भी है। इसमें जो है राजनेताओं को इसमें जोड़ना है कि वो अपने हित में 21 लक्ष्यों को अंगीकार करें, और यदि वो अंगीकार करेंगे तो जो क्राइम फ्री भारत के जुड़ने वाले लोग हैं वो उनको छत पे चढ़ के विजयी बना देंगे। इसमें जो है आप मैं फिर आपसे प्रश्न पूछा, ये आपने ये जो अपना अपराध मुक्त भारत वाला जो बनाया है ये कितने दिन हो गए इसको एग्जिस्टेंस में आए हुए? ये कॉन्सेप्ट नोट हमने 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, 2019 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल पुलिस मिशन बनाया है और इसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। ये तो हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात। 2021 में इसे जो है एक एनजीओ के रूप में भी जो है स्थापित किया गया
और इसमें 5-6-8 महीने पहले, बल्कि लगभग 1 साल होने को जा रहा है, एक क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, एक जो है क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, और लोगों को 1-to-1 जोड़ा जा रहा है, लोगों को शपथ दिलाई जा रही है चंद्रगुप्त की और जो है अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य की। और सर, अपराध मुक्त भारत मिशन का जो सदस्य है वो कोई सरदार भगत सिंह नहीं है जो फांसते फांसी पे फंदे पे चढ़ने वाला व्यक्ति है। अपराध मुक्त भारत मिशन का सदस्य जो है डरा सहमा घबराया सताया वर्तमान विविधता से उत्पीड़ित व्यक्ति है, जो कि पर्दे के पीछे रहना चाहता है, हम उसे पर्दे के आगे लाना भी नहीं चाहते हैं। वो अपनी शपथ ले और अपने आप को जोड़े, अपने बच्चों को जोड़े, अपने पड़ोसियों को जोड़े, अपने रिश्तेदारों को जोड़े, अपने से जुड़े युवाओं को जोड़े, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़े और जिन संगठनों से वो जुड़ा हुआ है उनके लोगों को जोड़े। और यदि वो अकेला जुड़ जाता है, अकेले जुड़ने से 90% काम हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर जुड़ना होगा ना, जिसके पास वो वीडियो पहुंच रहा है, उसको सुन रहा है, यदि उसके दिमाग में कुछ संशय है तो वो प्रश्न पूछे और लोगों को जोड़े और इसके बाद फिर हम वहां पहुंचे। यदि अभी आप पहुंचेंगे तो वहां पे काला कौआ भी नहीं दिखाई देगा। आप बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? देखता हूँ मैं ये कह रहा हूँ, यदि अभी आप पहुंचेंगे आपको सुनने के लिए कौन आएगा? प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तो 500-500 रुपए दे के भीड़ इकट्ठी की जाती है, तो आपको सुनने कौन आने वाला है? तो आपका कहना है 500-500 रुपए इकट्ठा करते हैं तो फिर वो कोई बात तो किसी के लिए भी कही जा सकती है। मैं यही कह रहा हूँ, जब माननीय प्रधानमंत्री आप मत बोलिए, बात आप बहुत बड़े आदमी है, अपने को शोभा नहीं देता कि 500-500 रुपए। देखो ये हम और आप, इससे फिर क्या है, इससे होता है आप कितने बाइस्ड है। आप मैं बायस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये सर हम और आपके, आपने बोला अभी कि मोदी के लिए, नहीं मैं मोदी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सभी नेताओं के लिए। देखिए सर, आप ये बात सोचिए ध्यान से कि क्या हम और आप नहीं जानते हैं कि बसों की व्यवस्था की जाती थी, आज जो है उसमें उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था भी होती है और पैसे की व्यवस्था होती है, क्या प्रशासनिक अधिकारी के? बिल्कुल होती है। सत्य कहने का साहस नहीं कर रहे हैं तो फिर सत्य तो कहना पड़ेगा ना। तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि साहब जब उनके लिए नहीं आ रही तो मैथिली गुप्त के लिए तो काला कौआ चौआ नहीं आएगा। पहले जो है ना लोगों को जोड़ने का काम करो, जब लोग बाग जुड़ते जाएंगे तब उनकी संगोष्ठियां करो। आप वहाँ पे आप भी 1919 से तो आप एक्टिव काम कर ही रहे हैं। देखो हमारा ये कहना है कि यदि, देखिए सर एक मिनट बात है, अब हमारा ये पूछने का समय आ गया है कि क्या आप अपने बच्चों को कैंसर पीड़ित देखना चाहते हो, नहीं तो क्यों नहीं जुड़ रहे हो? क्या आप जो है जो है ना समृद्धि नहीं चाहते हैं? क्या आप निरोगी भारत नहीं चाहते हैं? यदि आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ आपको जुड़ना है, आपको जुलूस भी नहीं निकालना है, कोई काम नहीं करना है, तो आप कितने दुष्ट हैं कि जो है ना जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं और आपके बच्चों को एक अच्छा भारत मिल रहा है, आप उतना भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप कितने दुष्ट हैं? तो आप निकले ना फील्ड में, निकले ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो फील्ड में, मोबाइल पे कुछ नहीं होना है, मैं बता दूँ। देखिए मोबाइल पे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फील्ड में मैं तो निकलूंगा ही, मैं तो हर सामने हर व्यक्ति को निकालना चाहता हूँ कि भैया अपनी संगोष्ठी करो ना, 10 लोगों की, 5 लोगों की। यदि हर कोई 5-5 लोगों की संगोष्ठी करेगा जिनको जानता है तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत होगा। यदि यदि जो है ना मिस्टर मान सिंह धायमा जो है अपने बच्चों से अपने रिश्तेदारों से कोई बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। जो लोग आप में श्रद्धा करते होंगे वो आपका उसमें इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? जी साहब, आज सब लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई किसी पार्टी का आदमी है, कोई किसी पार्टी का आदमी है, लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन तो मिशन है, इसमें तो सभी राजनीतिक पार्टियों का स्वागत है। क्राइम फ्री भी, मैंने आपसे कहा था कि करप्शन फ्री भी दोनों ही है। नहीं, इसमें करप्शन फ्री भी है, इसमें तो जो है ना समृद्ध भारत भी है, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति वाला भारत भी है। ठीक है, तो सारा ये कहने को तो 21 लक्ष्य है उसमें, अकेला नहीं, नहीं आप नाम पे अकेला मत जाइए, 21 लक्ष्य है उसमें, उसमें तो जो है ना आपको न्याय भी मिल जाएगा। अपराध मुक्त भी है तो वो भी कोई कम इम्पोर्टेंट थोड़ा ही, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपराध मुक्त भी करे, बहुत अच्छी बात है। अपराधी एक अपराधी तो है ना सर, है, लेकिन
तो आम आदमी को, आम आदमी जो है ना, आम आदमी ठीक है अफवाह से प्रभावित होगा, लेकिन भ्रष्टाचार से तो रोज हर गरीब से गरीब तक प्रभावित है। गरीब से गरीब व्यक्ति हर चीज से प्रताड़ित है। गरीब से गरीब व्यक्ति जो है गरीबी से प्रभावित है, स्लम एरिया में रह रहा है इससे प्रभावित है। वो जो है वो तो है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ 21 लक्ष्यों में आपको जो है सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 21 लक्ष्यों को पढ़ लीजिए, उसमें ये देश बदल जाएगा। ये महापरिवर्तन की बात हो रही है और इस महापरिवर्तन में भारत सरकार का खर्च नहीं होगा। नहीं, लक्ष्य बहुत बढ़िया है, ये लक्ष्य आपके उद्देश्य सभी अच्छे हैं। तो मेरा सवाल इस बात का कि इनको इनको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए, तो इसलिए सर जो मैं कह रहा हूँ, जिनसे अपन बात कर रहे हैं वो वहाँ पे जहाँ कंसर्निंग क्वार्टर में वहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों को जोड़ने में, जब भी हम 9 दिन में चमत्कार कर सकते हैं तो जोड़ने में क्या दिक्कत है बताइए। यदि यदि वही बात लोग आपसे बता रहे हैं, लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो पॉलिटिक्स से जुड़े, पॉलिटिक्स से जुड़े रहने, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि भैया आप मत जुड़िए, आप कांग्रेस के बने रहिए, आप इससे बने रहिए। हम तो कह रहे हैं कि 21 लक्ष्यों के साथ जो है ना छत पे चढ़ जाइए, और जिनसे जुड़े हैं उनसे एक मिनट सर, जिनसे जुड़े हैं उनसे कहिए कि साहब 21 लक्ष्यों वाला भारत चाहिए, आप दे रहे हो क्या? यदि कोई कांग्रेस से जुड़ा है तो उससे मांगे, जो भाजपा से जुड़ा है वो भाजपा से मांगे, जो भाजपा से जुड़ा है उसे भाजपा से मांगे। नहीं, ये आपसे कहना यार, देखो मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप जो है मेहरबानी करके ये अपने उपाध्याय जी से बात करके आप दोनों जैसे रणनीति बनाए रखे, रणनीति तो आपने ये जो भी बिल आए मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अभी तो बिल आपको भी देखने को नहीं मिला होगा, या पता नहीं आपको भी मिल गया होगा, तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो बिल की कॉपी तो देखी है। हाँ, तो इसको अब आप जो आप और उपाध्याय जी जिस तरह की बातें इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, अपराध मुक्त वाला बिंदु ही उसमें जो भी ये अपने दोनों तीन बिल हैं, इसमें आप जितना चाह रहे थे उतना कितना आया, उसमें से कितना आया है, इसमें कितना नहीं आया है, 50% पता करके 50% के लगभग आ गया है। इसमें समृद्धि बांटी जा सकती है, इसमें जो है ना जो अपन बात कर रहे हैं इसको 30 दिन तक समेटा जा सकता है, इसमें जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हमको फिक्स करना पड़ेगी, यदि कोई जानबूझ के गलत निर्णय लेगा तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसको महाभियोग से अभियोजित करना पड़ेगा। मैं आपके सारे बिंदु से जो आपके मन में है ना, उन हर चीज से सहमत, तो मेरे असहमति दूसरी है। मेरी असहमति बोले मेरी राय दूसरी है। मेरी राय ये है कि आप जैसे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति जो वकील साहब हैं जिनका नाम ले रहा हूँ मैं, अश्विनी उपाध्याय जी, मैं सर ये जो आप कह रहे हैं मैं से 200% करूंगा, लेकिन मैं सर आपसे नहीं, आप छोड़ो इसको, आप देखो मेरी बात सुनो अदीप जी, मैं इतने सालों से मैंने भी राजनीति देखी है, आपने भी प्रशासन में देखी है, राजनीति में देखी है, ये आप जो कर रहे हो ना इससे कुछ रिजल्ट हासिल नहीं होने का, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे बार बार। नहीं, मैं आपके मैं आप जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमति जाहिर करता हूँ, और आप जो कहेंगे वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब वो आप भी तो कर दीजिए ना। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, देखा नहीं, आप नहीं भी होगा तो देखिए, नहीं कोई मतलब नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, मतलब अपने लोगों को जागृत करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। सब जागृत मैं समझ गई, मैं बुद्धिमान हूँ, ये सोचना गलत है, सब जागृत अपने अपने जगह पे, तो जागृत है तो फिर 75 सालों से गुलामों के नियम क्यों थोपे हुए थे? जागृत है तो संविधान की व्यवस्था के विपरीत आपका बग बोर्ड एक्ट कैसे बना? यदि आप जागृत थे, एक मिनट बताइए, यदि आप जागृत थे तो जो है संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है ना मंडल कमीशन कैसे बना? यदि आप जागृत थे तो जो है आपको अन्याय, आपको 30-40 साल में न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? यदि आप जागृत हैं, यदि आप जागृत हैं तो आपकी जो जुड़ी हुई जनता है, जो कि आज जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, और एक चीज और समझ लीजिए आप सर, वो जो पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, वो अपराध है, तो अपराध करके वो जीत रहे हैं और आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, तो आप कहां से जागृत हुए बताइए ना सर मुझे। तो आप सिस्टम को देखो सर, ऐसा है कि अच्छे लोग कैसे आएंगे, उसका भी किसी को सुधार करना पड़ेगा। अभी ये जो 3 बिल बने हैं, आपने कहा कि जगह नहीं, तो जगह के लिए जगह, देर से जगह है, पर जगह तो है ना। नहीं, वो आप नहीं जगह है, वो नेता जगह है, आपने मांग नहीं की है, वो लेके आए हैं,
और वो जो है मैथिली क्षण वो मैथिली क्षण गुप्त को एक मिनट सर वो मैथिली क्षण गुप्त को सुन के लेके आए हैं, आप उनकी भाषा सुनिए, एग्जैक्टली वही भाषा बोल रहे हैं जो मैथिली क्षण गुप्त बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वही भाषा बोल रहे हैं सर। आप मेरा एक मिनट सर, मैं तो कह रहा हूँ सर, वो मेरी बात से जागृत हुए हैं और अभी नहीं सर उनमें जो कमियां हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अभी। आपने जागृत कर दिया, बहुत बड़ा काम किया आपने, भूमि की बड़ी सेवा की, तो मैं कह रहा हूँ अधूरा काम जो हुआ है आप जो करें उनसे फिर से मिलके उनसे कहिए कि इसमें ये कमी है। मैं सर जो आप कह रहे हैं वो सब करूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना ये भी करना चाहता हूँ कि आप अपने हिस्से का काम जोड़ने वाला कर दीजिए सर, केवल दूसरों वाला ही काम नहीं सर, आप अपना वाला भी तो काम करिए ना, जो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होना है, नहीं भी हो तो भी कर दीजिए ना सर, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कर दीजिए। इससे कुछ नहीं होना, ये कैसे नहीं होगा यदि अश्विनी उपाध्याय ने कितने लेट पिटिशन लगा रखे सुप्रीम कोर्ट में, आपको मालूम है? पिटिशन का क्या मतलब है सर, आप मुझे बताइए। एक मिनट नहीं एक मिनट सर, सारी पिटिशन से हुआ है, अरे सारी पिटिशन से हुआ है, सारा का सारा पिटिशन से हुआ है। आपने जो राय दी उन्होंने आपकी राय को माना होगा, पिटिशन लगाई होगी, पिटिशन तो उनकी पिटिशन से, सब कुछ उनकी पिटिशन से हो रहा है, सारा का सारा उनकी पिटिशन से हो रहा है, ए टू जेड। ये सर आपका भ्रम है, पिछले 8 साल में 3 पिटीशन लगी हैं इस बात को लेके कि इस देश में जब चपरासी बनने के लिए साक्षर और साक्षरित्र होना जरूरी है, तो फिर क्यों जो है इस देश के कानून के निर्माता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुश्चरित्र और अपराधी हैं, राइट? ये 3 पिटीशन लगी हैं, तीनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से निवेदन किया कि साहब एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा, इसके बावजूद भी तो नहीं जागे ना, ये नहीं किया ना सुप्रीम कोर्ट ने? कितने साल पहले कहा था? पिछले आठ साल में तीन बार तीन अलग अलग पिटीशन में कहा, और तीनों पिटीशन ग्राए हुई, तीनों पिटीशन में मान्यता हुई, तीनों पिटीशन में एक ही बात कही कि हम पार्लियामेंट से अनुरोध करते हैं कि अधिक से जो है ना ये जो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं उन्हें टिकट की पात्रता नहीं होगी, बस एक लाइन लिख दिया जाए। एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे जी, मानता हूँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जो जो गवर्नमेंट इन पावर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम जनता का काउंटर प्रेस क्रिएट कर देंगे तो ये सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यदि आप 10-10 लोगों को जो जोड़ने की बात, 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, यदि सर आप वो कर देंगे तो 10वें दिन ये आपकी बात सुनने के लिए विवश हो जाएंगे, और उसके लिए आपको कहीं दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में PIL भी नहीं लगाना होगी, केवल छत पर पड़ के थाली बजा के दीपक जला के मैथिलीन गुप्त का वीडियो चलाना होगा, इतने मात्र से चमत्कार हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो दिन अभी आएगा, नहीं क्या हमने अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाई क्या? हमने केवल हम इतना बात पूछ रहे हैं सर। अरे यार पत्थरों से तेल निकलता है जी, बातों से आप तेल निकालोगे, पत्थरों से कोई तेल नहीं निकलेगा सर, आप तो पत्थर नहीं है ना सर, आप तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, IAS है ना सर, एक मिनट सर, आप तो पत्थर नहीं है ना सर, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं जिनको प्रशासन का शासन का बहुत अनुभव है, आपने हर पक्ष को देखा है, यदि आप जो है बात करेंगे तो वो बात वहाँ पहुँचेगी ना सर, आपके जो परिचित हैं वो मेरे परिचित नहीं कहलाएंगे ना सर, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके ही रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं वो आपके ही मित्र हैं। राजनीति तरीका है देखिए सर, इसको हम ये कह रहे हैं कि सर मेरी बात ध्यान से सुने सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं वो भी करूंगा, लेकिन आप अपने हमारे अपने हिस्से का थोड़ा सा काम तो कर दीजिए ना, जिसमें आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं उतना कर दीजिए ना, कुछ काम से मैंने बैठ लिया नहीं, उसमें कुछ नहीं है मेरे वो, आप देखो जिसने इतने बड़ा चीजें बनाई है उसकी इतनी बात मान लीजिए सर, आपका 5 पैसे नहीं जा रहे हैं तो यदि आपके 5 पैसे नहीं जा रहे हैं तो उतना मानने में आपको क्या दिक्कत है, मैं आपकी हर चीज मान लूं और आप मेरी नहीं देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जो है सूची बना के वो सूची मुझे भेज दें, लोगों से बात करें, हम बात करें, तो एक काउंटर प्रेशर क्रिएट होगा,
अभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी बात माने ना माने उनकी मर्जी है, जब आपके पीछे जो है ना 100 करोड़ लोग खड़े होंगे तो वो आपकी बात मानने के लिए विवश होंगे, ये बात समझिए आप। और उसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं सर, तो जब हम आपकी पूरी बात मान रहे हैं तो आप इतनी छोटी सी प्रार्थना मानने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं तो आपको देखिए व्यावहारिक बात बताऊंगा, व्यावहारिक। अरे सर, वो आपकी व्यावहारिक बातें जो बता रहे हैं मैं उन सबको मानूंगा, सबको करूंगा, इंक्लूडिंग रथ लेके जो है ना मैं लोगों को जागरण, सर रथ लेके मैं जागरण के लिए भी निकलूंगा। सर मेरी बात सुन लेना सर, मैं आपकी 200% बात मानने के लिए तैयार हूँ और मेरी योजना में भी है, मैं रथ लेके लोगों के बीच में निकलने वाला हूँ, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाला हूँ, मैं माननीय अमित शाह जी से भी मिलने वाला हूँ, मैं माननीय आदित्यनाथ जी से भी मिलने वाला हूँ। बट ये करिए ना, ये करिए, ये है काम जो किया जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप अपने नहीं सर हम आपसे छोटी प्रार्थना कर रहे हैं जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप भी करने के लिए तैयार नहीं है? मुझे उसका कोई, आप छोड़ दीजिए, आपको हो चाहे ना हो आप मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी सब चीजें मान रहा हूँ तो आपने भी मेरी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका, मैंने आपकी बात सब मान ली, जो आप मुझे बता रहे हैं वो सब कर दूंगा मैं, लेकिन मैं आपसे जो छोटी बात कह रहा हूँ कि जो आपसे करो आपकी इच्छा की बात है, जो मेरे को सूझा दिमाग में मैंने आपको कहा सर, मैं वो कह रहा हूँ सर, मैं वो सब करूंगा, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, वो आप भी कर दीजिए सर मेरे लिए। यदि मैं तो इसका ये उपाय, मैं तो मेरे इलाके मेरे एमएलए को और मेरे एमपी को जरूर, मैं तो मेरे एमएलए एमएलए को तो पकड़ूंगा मैं, और वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता इसका नहीं है कि हर एक आदमी अपने अपने क्षेत्र में एमएलए और एमपी को, आप एमएलए और एमपी को भी पकड़ लीजिए और साथ में जो मैं कह रहा हूँ लोगों को भी जोड़ लीजिए सर, इससे जुड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सर। आप ना, अच्छा चलो, मैथिली शरण गुप्त की सेटिस्फेक्शन के लिए कर लीजिए। अरे यार, यदि आपके 5 पैसे, देखिए आप अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, मित्रों से, एक मिनट सर, यदि आप अपने रिश्ते और मित्रदारों से बात करेंगे तो उनकी धारणा आपके बारे में तो इम्प्रूव ही होगी, आपके संबंध उनकी चो जा चो रहे, उनकी धारणाओं से मुझे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, मैं तो भूखा नंगा जैसा भी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर ये जो आप बता रहे इतना अच्छा हुआ तो बाकी जो अच्छा अच्छा काम बताए उसमें आप जैसे भी लगे हुए हैं आप लगे रहिए, क्योंकि आपने का कहना है कि इतना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हुआ तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक काम हुआ है, पर और कुछ नहीं, अभी, अभी जो हुआ है वो 50% से भी कम है। मैं कह रहा हूँ कि हुआ तो सही नहीं, अभी हुआ तो सिर्फ अभी इम्प्लीमेंट होना भी बाकी है, अभी करेंगे इसको एक साल, शुरू होने में भी एक साल लगेगा कम से कम, और कोच के लिए भी पुलिस के लिए भी अब तो नहीं जाने कितना कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उपलब्ध कराने पड़ेंगे, पर हाँ बना तो सही ना सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा, पैसे भी नहीं लगेंगे, उल्टे लोगों को पैसे मिल जाएंगे, ये संभव है, इट इज डूएबल। चलिए चलिए सर, आपकी सलाह बहुत अच्छी है सर, हम उसे जरूर अपनाएंगे, ठीक है ना सर, धन्यवाद आपको, थैंक यू, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर।